आर यू रेडी मित्रों? ओ मित्रों, कल हमने फॉरेन कंपनी का समरी लिखवाया था, उसको लगातार कंटिन्यू करते कुछ देर के लिए और फिर आगे बढ़ते। आपके सामने स्क्रीन पर आपको कुछ दिख रहा होगा। गुड मॉर्निंग लाइव स्ट्रीमिंग। ओके, ऐसा ही एक चार्ट मैंने आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर दिया हुआ है। अभी हमने 379 किया, 380 किया, 81 किया, 82 भी किया। आई थिंक ये चार सेक्शन मैंने लिखवाए थे आपसे। 383, डू यू रिमेंबर द सेक्शन नंबर? कि नोटिस किसके पास भेजना चाहिए। एक काम करो, आपके समरी नोट्स पर लिखिए इसको, सेक्शन 383, सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी। लिखो सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी, सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी। कल की जाके आपके वो चल रही थी उसी जगह पे, सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी। ओके, विल यू प्लीज राइट? क्या अर्थ है इसका? कि अगर जीएसटी डिपार्टमेंट किसी को भी नोटिस भेजना चाहती है तो किसको भेजेगी? हो जो इंडिया के अंदर जो डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हैं उनको ये भेजा जाना चाहिए। इज इट ओके? आप लिखेंगे सेक्शन नंबर 383 और लिखो सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी। और अब लिखो एनी नोटिस और अदर डॉक्यूमेंट, एनी नोटिस कॉमा अदर डॉक्यूमेंट एनी नोटिस कॉमा एनी अदर डॉक्यूमेंट एग्जाम्पल जीएसटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एग्जाम्पल जीएसटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। Shall be deemed to be sufficiently served. Shall be deemed. D-E-E-M-E-D. Deemed to be sufficiently served. Deemed to be sufficiently served. आपको ये सेक्शन थोड़ा सा याद है? अगर कोई फॉरेन कंपनी को जीएसटी वालों को नोटिस देना है तो कहां देंगे? तो जो एड्रेस सेक्शन नंबर 380 में दिया था रजिस्ट्रेशन करते समय, और जिस बंदे का नाम लिखा था सेक्शन नंबर 380 में, उसको अगर आप बाय पोस्ट देते हो या वहां पे जाके देते हो, हाँ, या इलेक्ट्रॉनिक मोड में देते हो, ऐसा मान लेंगे कि ये नोटिस फॉरेन कंपनी को मिल चुकी है। आपको उसको कैलिफोर्निया को भेजने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू सेंड दिस नोटिस टू कैलिफोर्निया। अब मान ली जीएसटी और आरओसी को अगर आप बोलेंगे तुम कैलिफोर्निया भेज दो, पता नहीं कुरियर कितना लगेगा और नोटिस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा भी। इसलिए कहते हैं सफिशियंटली सर्व, ऐसा माना जाएगा, डीम्ड यानी कि माना जाएगा। कब? इफ द एड्रेस टू एनी पर्सन हुज नेम एंड एड्रेस हैव बीन डिलीवर्ड टू रजिस्टर्ड इन सेक्शन नंबर 380। कौन सा सेक्शन था? दिल्ली आरओसी को आपने बताया था कि ये इधर का ऑफिस उधर का ऑफिस, इधर का डायरेक्टर। अब इधर का डायरेक्टर को भी दिया तो मान लेंगे उधर के डायरेक्टर को मिला, और इधर के ऑफिस को दिया तो मान लेंगे। और अगर इतना ही आपको उधर भेजने की खुजली थी तो फिर इंडिया के डायरेक्टर्स और इंडिया के एड्रेसेस को पूछा क्यों? तो हमने इधर के वास्ते इसलिए पूछा था कि वी शुड हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन विद इंडियन पीपल, और इंडियन को भेजा तो मान लो मान लेंगे कि फिरंगी को मिल गया, है ना? तो अब लिखो डीम टू बी सर्व इफ एड्रेस, इफ एड्रेस ऑफ एनी पर्सन, एड्रेस ऑफ एनी पर्सन नहीं, इफ क्या बोला मैंने, नहीं इफ, ये पूरा ऐसे लिखो, इफ एड्रेस्ड टू एनी पर्सन, एड्रेस्ड करो उसको, एड्रेस्ड ईडी, एड्रेस टू एनी पर्सन हुज नेम, हुज नेम जिसका नाम इधर का डायरेक्टर यानी जिसका नाम लिख के दिया था, और इधर का एड्रेस एंड एड्रेस, एंड सर ऊपर एड्रेस्ड और नीचे एड्रेस दोनों बोलते ना, आई एम एड्रेसिंग टू दिस स्टूडेंट,
यानी कि मैं इनको ज्ञान दे रहा हूं। एड्रेस समझता क्या? एड्रेस और एड्रेस दोनों का फर्क सेम है, ऑल द स्पेलिंग सेम ही है, दोनों का फर्क है। बोला आई एम एड्रेसिंग टू दिस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, यानी इनको मैं ज्ञान दे रहा हूं। और एड्रेस मतलब अपना पता भी होता है, तो पहले वाला एड्रेस कौन सा है? हाँ मतलब एड्रेस देखो ना, अफ्रीका सफिशियंट इफ द एड्रेस टू एनी पर्सन हुज नेम एंड एड्रेस हैव बीन डिलीवर्ड टू, देखो हैव बीन डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन, कौन सा सेक्शन? 380 एंड लेफ्ट एट, लेफ्ट एट मतलब क्या? आपने वहां पे वो चिट्ठी छोड़कर आई। आजकल ऐसा कोई आता नहीं अपने घर पे, वो पहले आता ना पोस्टमास्टर, डाकिया, डाकिया एट और सेंट बाय पोस्ट, और सेंट बाय पोस्ट और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। सर एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे? हाँ जी आएंगे। सर एग्जामिनेशन में कैसा क्वेश्चन आएगा? ये जीएसटी ऑफिसर ने ऐसे ऐसे बंदे को एक नोटिस दी है जो इंडिया में रह रहा था, तो क्या ये मान लेंगे कि वो फॉरेन कंपनी को मिला? हाँ जी ऐसा मान लेंगे कि वो फॉरेन कंपनी को मिल चुका है। ये सेक्शन हमने रिवाइज कर लिया है। अभी तक हमने इस चैप्टर में 5 सेक्शंस का प्रयोग किया रिविजन में। ओके जितने भी सेक्शंस मैंने पढ़ाए हैं, आई वॉज वेटिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट। मुझे लगता है कि मैंने एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ सब्जेक्ट आपको पढ़ा दिया, जिसमें मैंने आपको डिविडेंड पढ़ा दिया, अकाउंट्स पढ़ा दिया और फॉरेन। अब मेरे पास रिवाइज करने के लिए आई हैव गॉट इनफ डेटा, ठीक है ना? तो आई विल मेक श्योर कि आपके सारे सेक्शन नंबर आपको याद है, ना कि सिर्फ सेक्शन नंबर याद है, उनके प्रोविजंस आपको याद है। अभी तक मैंने पढ़ाया 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 पर कॉन्फिडेंस किसी को भी नहीं है। क्यों? आपको लग रहा है कि मुझे समझ रहा है पर पता नहीं रिकॉल होगा क्या नहीं होगा। क्या होता है कि मैंने आपको भी एक चीजें कुछ डिलीवर करी कि हाँ ये सब मैंने पढ़ा है। अभी अब हम लोग उसका ऐसे समरी बना के रिविजन करा के फिर क्वेश्चन बैंक लेके फिर बाद में कहेंगे आप खत्म हुआ। अभी खत्म क्या हुआ? अभी तो सिर्फ कंसेप्चुअली खत्म हुआ, जो बाकी क्लासेस में इतना ही होता है। कंसेप्चुअल खत्म होने के बाद अब तो कहानी शुरू होती है। समरी लिखेंगे, फिर बार बार सेक्शन नंबर याद करेंगे, फिर प्रोविजंस याद करेंगे, फिर क्वेश्चन बैंक करके उसको खत्म करेंगे। अभी खत्म थोड़ी ना हुआ है। आप कहेंगे डिविडेंड चैप्टर खत्म हो गया, वैसे खत्म हुआ पर खत्म नहीं हुआ, सिर्फ मेरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी करवा के दिए, याद आ रहा क्या नहीं, इस बेसिस पे पास होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होना चाहिए? यू शुड बी एबल टू रिकॉल। रिकॉल होने वाला काम तो मैंने करवाया नहीं है, वो कब होगा? जब आप समरी बनाएंगे और जब मैं बार बार रिविजन लूंगा। क्या बोलते हैं? तो आपको अब आपके दो चॉइस है, एक तो मुझे करने दो या आप खुद से कर लो। हम साथ साथ करें या आप अकेले में करोगे? आप अकेले में भी कर सकते हो। जय शराब, सब साथ साथ करेंगे। तो आज के बाद में जब भी मैं रिवीजन बोलूं तो समझना इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द यू नो द क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन और लर्निंग। ये जो हो रहा है इससे ये हो रहा है कि जो क्लास के बाद आपको अकेले में करना था ना पीएल में, आप वो अभी कर ले रहे हो, ठीक है ना? तो आपको अकेले में बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब पीएल स्टार्ट होगी तो आपको ये सारी चीजें इतना पढ़ेंगे आपका फटाफट रिकॉल होगा, ठीक है ना? चलो वेरी गुड, वेरी नाइस, कम ऑन एवरीबॉडी। अब एक प्लीज डोंट टॉक बेबी, आपको याद है आपने सेक्शन नंबर 384 पढ़ा था, फिर 385 पढ़ा था और 86 पढ़ा था। क्या आप मुझे बता सकते व्हाट इज सेक्शन 384? आपको 84 पता है? यू डोंट नो व्हाट इज 84? ओहो ऐसा, कहां से पढ़ के आते हो आप? ये देख के बोलती है? नहीं नहीं बहुत पढ़ती है। अच्छा कितना देर पढ़ती है आप रोज? कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया? इतना टाइम कैसे मिलता है आपको? Yeah.
ये 100 नंबर कहाँ से आ गया, मैंने क्या दिया मुझे? ठीक है, जब तक कटाई नहीं लिख सकते अभी आप क्या करें, वहां पे लिखे सेक्शन नंबर 384, एक मिनट दिखाई मुझे, लिखो सेक्शन नंबर 384 और वहां पे लिखो, आपको याद होगा मैंने कुछ आपको ऐसे पढ़ाया था, आप लिखो डिबेंचर, आप लिख रहे सेक्शन नंबर 384। सही बोल रहे हैं आप, जानते हो सेक्शन नंबर आपने 384 पढ़ा था, लिखो आप डिबेंचर कॉमा एनुअल रिटर्न कॉमा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, डिबेंचर कॉमा एनुअल रिटर्न कॉमा रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस कॉमा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड देयर इंस्पेक्शन, एंड देयर इंस्पेक्शन। सबसे पहली बात तो सुनो जरा मैं क्या कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं सुनो, सेक्शन नंबर 71 टॉक्स अबाउट डिबेंचर, ओके। अब डिबेंचर जो सेक्शन है वो कौन सा है, तो ये मुटाटिस मुटांडिस इनको एप्लीकेबल हो जाएगा, ओके। अगर मैं याद आ रहा है मैं कुछ बोला था, हाँ ऐसा कुछ आपने पढ़ाया था सर मुटाटिस, ये डिबेंचर का सेक्शन नंबर 71 है वो एमएम कर दो, मुटाटिस मुटांडिस एप्लीकेबल है, किसको? अगर कल्चर के फॉरेन कंपनी डिबेंचर इश्यू करेगी तो उनको 71 के सारे प्रावधान जो है, सारे प्रोविजन जो है वो उनको एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे। एमएम का मतलब एज इट इज, मुटाटिस मुटांडिस लीगल लैंग्वेज है, एज इट इज ये नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज है, तो कहेंगे मुटाटिस मुटांडिस क्या नहीं, पूरा जैसे कि वैसे एप्लीकेबल है, इज इट ओके? इसमें कुछ बुद्धि मत लगाओ क्योंकि आपने 71 ऑलरेडी जानते हैं, ओके आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग करेंगे वहां पे लिखो एनुअल रिटर्न, यू डोंट नो एनुअल रिटर्न, कितने लोगों को सेक्शन नंबर याद है? अरे वाह कैसे कर लेते हो ये सब, अच्छा कि तमाम ने आपसे ये सब रिवाइज करवाया है, भारी पढ़ाते हैं मैडम आपको। और आपको और एक है सीएसआर, अब जो सर ने पढ़ा है वो तो सेक्शन नंबर बोल दो, मैम के ही सेक्शन आपको याद है, अब आपको हाँ तुम्हें याद है, वेरी गुड। यहां पे लिखा है एप्लीकेबल बट सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशन, क्या लिखूंगा मैं दोनों के बारे में, एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशन कॉमा एक्सेप्शन। सर इसमें मुटाटिस मुटांडिस नहीं है? जी नहीं है, आप बेटा लिखने का प्रयास करेंगे, लिख दो जरा, यानी कि सीएसआर जैसा भारतीय कंपनी को एप्लीकेबल है इनको भी एप्लीकेबल है, थोड़े बहुत चेंजेस, सर वो चेंजेस एग्जैक्टली क्या है इतना अंदर मत जाओ, आपको इतना ही सिलेबस में दिया है, वो क्या एग्जैक्टली उनको मॉडिफिकेशन करना है उसके लिए आप एक फॉरेन कंपनी बना देना कल, वो आप बाद में देखना, आपके सीए इंटर के सिलेबस में इतना ही बोला है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा उनको एप्लीकेबल है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा समझता है, कुछ चीजें इनको नहीं है कुछ चीजें हैं, पर वो एग्जैक्टली क्या है हमें सिलेबस में दी नहीं है, ओके फाइन है। अच्छा आप बताओ वैसे फॉरेन कंपनी इस चैप्टर के सेक्शन कौन से 379 से 399, ये तो फॉरेन कंपनी के लिए बने तो लगेंगे ही, साथ साथ में ऐसे भी लगेंगे, आई विल रिपीट 379 से 393 के सारे सेक्शन इसको लगेंगे, वो तो लगना ही, वो तो बने ही उनके लिए, उसमें तो डाउट ही नहीं है, दे आर मेंट फॉर देम, ओके। बट ये जो कुछ ऐसे सेक्शन है अधिक सेक्शन, ये भी कुछ कुछ मुटाटिस मुटांडिस एप्लीकेबल है और कुछ कुछ एप्लीकेबल है थोड़े से चेंजेस करा के, ओके। अब चलो ये लिख दिया आपने, अब मैं आपको लेके जाता हूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे, प्लीज आप मत रोको,
सेक्शन नंबर 128 आपको याद है 128 में क्या पढ़ा था हमने? अरे यार आपको याद है कि नहीं याद है? शाल अप्लाई टू फॉरेन कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ रिक्वायरिंग इट टू कीप इट द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिया एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेफर्ड इनटू दैट सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू मनी रिसीव्ड स्पेंड, यानी कि दे आर सपोज, इनको दो चीजें बोली है. क्या बोली है? कि आप मास्क बना के रखो. यू नो व्हाट इज मास्क? यानी कि दे आर सपोज टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एम यानी कि मनी आया गया, ये यानी कि एसेट लायबिलिटी, एस यानी कि सेल्स परचेस, एंड सी यानी कि कॉस्ट शीट. यानी कि इनको भी सब बनाना पड़ेगा. ना कि से बनाना पड़ेंगे. अरे मास्क का मतलब होता है ना मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अरे यार मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. और इनको बोला कौन सी जगह पे रखे? रजिस्टर्ड ऑफिस. ओके चलो ये हो गया सेक्शन नंबर 120. यानी कोई फॉरेन कंपनी इवन दे आर सपोज टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. यस दे आर सपोज टू मेंटेन. साथ साथ में कहां पे रखना चाहिए उन्होंने? रजिस्टर्ड ऑफिस. कौन सा रजिस्टर्ड ऑफिस? इंडिया. ऑफिस ऑफ, अब ये सब इंडिया भारत होने वाला है. आज के न्यूज़पेपर का हेडलाइन है. स्कूल में डाल दे रहे, स्कूल में अगले साल से इंडिया को रिप्लेस कर रहे भारत. सारे लॉ में सारी जगह पे इंडिया को रिप्लेस कर रहे भारत. अगर जब फाइनल में आओगे तो इंडिया वर्ड हट जाएगा. ऑल द लॉज आर गेटिंग रिप्लेस्ड. सब जगह पे भारत होगा, इंडिया का नाम हट जाएगा. आज का हेडलाइन है क्या? भारत डिपॉजिट लिस्ट. ओके गाइस, बोलेंगे भारत माता की जय. ओके दोस्तों, नंबर यहां पे आगे लिखा है मुटाटिस मुटांडिस एप्लीकेबल है. दो चीजें, एक कौन सा है आपको पता है? चार्जेस. कैन यू प्लीज टेल मी चार्जेस का सेक्शन कौन सा है? एंड एक ये है चार्जेस का सेक्शन है चैप्टर, चैप्टर नंबर 6. और एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, इसका नाम है इंस्पेक्शन इंक्वायरी. ये दोनों के दोनों सेक्शन कैसे एप्लीकेबल है? मोटाटिस मोटाटिस. चार्जेस आप सभी जानते हैं, मैं वो नहीं बताऊंगा, पर इंक्वायरी इंस्पेक्शन आपको नहीं, मैं वो बताऊंगा. आरओसी को आपके खिलाफ कोई भी इंक्वायरी करना है तो आरओसी भारतीय कंपनी का इंक्वायरी जैसे करती थी वैसे फॉरेन कंपनी का भी कर सकती है. क्या आरओसी बजाती है? हाँ बजाती है. इंस्पेक्टर बजाता है? बजाता है. किसकी? इंडिया की कंपनी, जैसे रिलायंस है, महिंद्रा है, टीसीएस है, इनकी बजाता है. तो सोचो यही गलतियां कभी मान लो वो करे, कौन? मेटा, अमेजॉन, गूगल करे, केएफसी करे, मैकडी करे, एप्पल करे, इनकी बजाएंगे? हाँ बजाएंगे. ह्युंडई ने, होंडा ने, टोयोटा ने, कल जगह कुछ किया, बजाएंगे? बजा सकता है. तो जैसे इंडियन कंपनी की तहकीकात करने का राइट इंस्पेक्टर आरओसी को है वैसे फॉरेन कंपनी के है तो कर सकती है? हाँ कर सकती है. अरे यार बोलो भाई, अगर मान लो भारती करे तो बजा सकते, तो क्या फिरंगी करे तो बजा सकते क्या? वही तो लिखा है इंक्वायरी इंस्पेक्शन, ये पूरा चैप्टर लग जाए उसके. आपको मालूम है विजय माल्या ने जब गलत काम किया था उसके खिलाफ SFIO लगाया था, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, जो CBI का वन ऑफ द आर्म है. तो अगर मान लो कोई फिरंगी कंपनी आके इंडिया में कुछ गलत काम करे तो क्या उसके खिलाफ भी SFIO लगा सकते? हाँ जी लगा सकते. ओके इसी के साथ में सेक्शन नंबर 384 खत्म. क्या थोड़ा सा रिवाइज कर ले, कौन सी चीजें MM में लिखी है? डिबेंचर चार्जेस इंस्पेक्शन, यानी कि इनको अलग से हाईलाइट कर सकते हैं हम लोग. इनको तो मतलब जैसा ऐसा ट्रीट करो जैसे कि वो एक भारतीय कंपनी. ओके और बाकी जो है एनुअल रिटर्न और CSR को बोला है कि सब्जेक्ट टू, क्या बोला? सब्जेक्ट टू सर्टेन, ये जो लिखा है थोड़ा सा अलग है, ये सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशन है. ओके और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वालों को दो ही चीजें मेंटेन करना जरूरी. कौन सी कौन सी? दे आर सपोज टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंडियन रजिस्टर ऑफिस में रखना चाहिए. तो बताएंगे कौन सी चीजें मोटाडिस मोटाडिस एप्लीकेबल? डिबेंचर चार्जेस एंड
तो ये जो इंक्वायरी इंस्पेक्शन है देयर इट इज एप्लीकेबल मुटाटिस मुटांडिस। फिर उसके बाद में क्या लिखा है कि जो और दो सेक्शन है वो एप्लीकेबल है, एग्जाम्पल CSR और एनुअल रिटर्न, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशन एंड वॉट एडिशन। कुछ उसको थोड़ा चेंज करके उनको भी एप्लीकेबल करवा दे, कुछ एक्सेप्शन दे दिया, कुछ एडिशन करके चेंजेस करके दे दिया। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स की सिर्फ दो ही चीजें एप्लीकेबल है इनको, ये मुटाटिस मुटांडिस भी नहीं है और एडिशन नहीं। एक सिर्फ बोला है कि तुम भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो और वो तुम्हारा रजिस्टर ऑफिस भले ही कैलिफोर्निया में है उधर मत रखो, भारत के ऑफिस में रखो ताकि हम लोग कभी भी देखने आ सकते, एग्जामिनेशन में सवाल पूछ सकते। एक फिरंगी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैलिफोर्निया में रखा, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस उधर था और उसका इंडिया के अंदर प्रिंसिपल ऑफिस बॉम्बे में है, तो बताओ उसने कहां रखना चाहिए? ये ऐसा इसीलिए पता होना चाहिए और कुछ नहीं। ओके आई थिंक इट्स डन, सेक्शन नंबर 385 नाउ। ओके आ जाओ 385, इससे घिरा हुआ कुछ भी नहीं है। फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विथ किसके साथ में, ROC, कितना पैसा लेंगे? एज मे बी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और ये प्रिस्क्रिप्शन कहां लिखते हैं? बस इतना ही, ये सेक्शन का समरी खत्म। इतना गिरा हुआ कभी एग्जाम में भी नहीं पूछेंगे। ROC को कितनी फीस देना चाहिए? उतनी जितने के रूल्स ने लिखी हुए। ROC को कितना फीस देंगे? उतना जितना कि एज में भी प्रिस्क्राइब्ड होगा। ओके डन गाइस एवरीबॉडी, चलो ये भी खत्म हो गया। अभी तक कितने सेक्शंस आपने किए? नहीं, 379 से 85 सिक्स सेक्शंस होते हैं, आधा चैप्टर तो क्या बताएंगे एक बार सारे सेक्शन 379 बताओ। सेवन सेक्शंस हो गए। हाँ एप्लीकेबल किसको है बताओ, किसको एप्लीकेबल है? यानी उसका डेफिनेशन का सेक्शन नंबर कौन सा है? 2 सबसेक्शन 42 को। और साथ साथ में कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है, उसके अंदर इंडिया के लोगों ने या कंपनी ने मिनिमम 50% का स्टेक उनके प्रेफरेंस या फिर इक्विटी में या फिर दोनों में लिया होगा, तो उसको ऐसा ट्रीट करे जैसे वो एक भारतीय कंपनी है, तो उसको इस चैप्टर के सेक्शन तो एप्लीकेबल ही होंगे। साथ साथ में कुछ अन्य सेक्शन भी जो रूल्स मिले वो भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, क्योंकि उसको ऐसा ट्रीट करेंगे कि जैसे वो एक इंडियन कंपनी है। सेक्शन नंबर 380 में क्या आपको आपकी समरी नोट्स खोल सकते हैं आप, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप बताएंगे। सेक्शन नंबर 380 में क्या भारत के बाहर की कंपनी इंडिया में आके धंधा कर सकती है? कर सकती है। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कौन से फॉर्म नंबर में? SC1 में। चेंजेस कौन से फॉर्म नंबर में करेंगे? FC2 में। या इंडिया में आने के कितने दिनों के अंदर? 30 डेज के अंदर। डॉक्यूमेंट्स कौन से देना पड़ेगा? इधर का ऑफिस, उधर का ऑफ, इधर का डायरेक्टर, उधर ये भी लिखेंगे कि हमारे कोई भी डायरेक्टर के चरित्र पर कोई भी आज तक दाग, और साथ साथ में और एक दो चीजें भी देंगे, MOA देंगे, AOA देंगे, ये भी डॉक्यूमेंट्स देंगे। यानी कि और कौन से ROC भी जाएंगे? दिल्ली ROC भी जाएंगे। और किस कौन सी भाषा में देंगे? और इंग्लिश नहीं है तो इंग्लिश में कन्वर्ट करो फिर, कन्वर्ट नहीं हो रहा तो। ओके कौन से फॉर्मेट में देंगे? FC1 में देंगे। एवरीबॉडी चलो बोलो क्या क्या देंगे? इधर का ऑफिस, उधर का ऑफिस, इधर का डायरेक्टर, उधर और नीचे देना हमारे दिए हुए नाम जो भी डायरेक्टर के, उसमें से किसी ने भी कोई भी गलत काम नहीं किया, किसी के कोई भी प्रूव्ड गिल्टी यानी कन्विक्टेड नहीं है, और साथ साथ में हमारे कंपनी का MOA क्या है, AOA क्या है, वो सब भी देना पड़ेगा। अच्छा है। और आपको अगर कोई मान लो आपके डायरेक्टर का नाम चेंज हुआ या फिर एड्रेस चेंज हुआ तो आप किस्त में देंगे? इट शैल बी रिटर्न इन व्हाट? FC2। दैट्स ऑल, आई थिंक इतना ही था 380। कैन वी रिकॉल सेक्शन नंबर 381 क्या था? 381 के बारे में क्या फिरंगी कंपनी को भी 137 जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिट करने की जरूरत है? इंडियन कंपनी को कैसे करना पड़ती है? मीटिंग होने के 30 डेज के अंदर ROC। इनको ऐसा नहीं, इनको बोला कि फाइनेंशियल खत्म हुआ कि उसके 6 मंथ्स के अंदर आपने इंडियन ROC को यानी दिल्ली ROC को देना चाहिए। कौन से फॉर्मेट? फॉर्म नंबर में FC3 में। कौन से फॉर्मेट में? शेड्यूल 3 में। क्या इनको FS देना पड़ेगा कि CFS?
क्या वो कौन से प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन करना है इंडिया, क्या उन्होंने ये भी लिखना चाहिए कि हमारे नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी है और वो इंडिया के बाहर उन्होंने कितना पैसा आजकल अपने स्वदेश में लेकर गए हैं। एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ो ना आप, आरपीटी एक बार 381 पढ़ लो एक बार, चलो पढ़ो, 30 seconds मोर देन इनफ, हरी आप। आज से आपको कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा, आएगा बहुत आएगा, सब ऊपर जाएंगे। हो गया बच्चों 381। अब 82 की बात कर ले, डिस्प्ले की बात कर ले, सभी लोग ध्यान देके जवाब दीजिएगा। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे मेरी आप बातों को सुनते हैं, आपको जुबा दिए बोलिए, बोलो जुबा बोलेंगे 382 दोस्तों आपसे पूछेंगे डिस्प्ले कहां पे लगाएंगे, ऑफिस के बाहर, और क्या लिखेंगे डॉक्यूमेंट पे, क्या लिखेंगे कंपनी का नाम क्या है और कंपनी कौन से कंट्री से बिलोंग करती है और उनकी लायबिलिटी सबकी लिमिटेड है। तो तीन बातें कौन सी, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी, कौन से कंट्री से बिलोंग करती है, तीसरी बात वहां पे लिखा जाएगा यहाँ पे कोई भी नुकसान अगर इस कंपनी के हाथों हुआ तो कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, यानी घर से पैसे नहीं डालते। मान लो हो सकता है मेंबर के उसमें बहुत पैसे है फिर भी मेंबर बोलेगा मैं नहीं दूंगा, मैं उतना ही दूंगा जितना अनपेड कैपिटल है। ओके अच्छा, उसमें और एक चीज है बताओ, इंग्लिश या लोकल लैंग्वेज, इंग्लिश में तो लिखेंगे ही लिखेंगे और महाराष्ट्र में है तो मराठी में लिखना पड़ेगा, गुजरात में है तो गुजराती में लिखना, इंग्लिश तो कंपलसरी है। ओके आई थिंक 382 खत्म है, क्या हम लोग सिर्फ सेक्शन नंबर को याद कर सकते हैं, 379 इज अबाउट एप्लीकेबिलिटी, 380 इज अबाउट आपको इंडिया के अंदर दिल्ली आरओसी में कैसे रजिस्टर करना, 381 में क्या लिखा है अकाउंट, 382 में क्या लिखा है, अभी आज ही हमने 383 किया, बोलो क्या लिखा था, अगर इंडिया में नोटिस देना है तो किसको नोटिस देना चाहिए, जो इंडिया का एड्रेस और इंडिया का बंदा है उसको अगर आपने अपने हाथों से या फिर कुरियर करके या इलेक्ट्रॉनिक से दिया होगा तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि फॉरेन कंपनी को नोटिस मिल चुकी है। 384 बोलो क्या है, 384 क्या है, ये डिबेंचर। अब तक किसको मोटाटिस, डिबेंचर को, चार्जेस को, इंस्पेक्शन को, मोटाटिस मोटांडिस एप्लीकेबल है। ओके और अगर मैं CSR की बात करूं तो सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशन, और एक है जो सर्टेन मॉडिफिकेशन के साथ में, एनुअल रिटर्न सेक्शन नंबर 92 ये इनको एप्लीकेबल है बट सर्टेन सब्जेक्ट टू सर्टेन मॉडिफिकेशन। एंड रही बात किसकी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो क्या फिरंगियों को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत है, कहां रखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन सा रजिस्टर ऑफिस, इंडिया का बाहर का, दैट्स ऑल गाइस। ओके अभी तक के साथ एक सिर्फ सेक्शन नंबर याद कर ले वापस से, रिवर्स ऑर्डर में याद करे 385, वो तो फीस बड़ा गिरा हुआ क्वेश्चन है, फीस कितनी लगती जैसे आरोप 384 ये डिबेंचर इंस्पेक्शन इंक्वायरी CSR एनुअल रिटर्न। ओके फाइन 383 सर्विस किसको देंगे, इंडिया का ऑफिस, इंडिया का डायरेक्टर, 382 डिस्प्ले, 381 उनको भी अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है और आरओसी को देना जरूरी, 380 डॉक्यूमेंट्स टू बी गिवन टू आरओसी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड 379। चलो एक बात बताओ, व्हाट इज सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी, क्या बोलता है, एनी कंपनी व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और डूइंग सम बिजनेस इन इंडिया इज कॉल्ड एज फॉरेन कंपनी। वापस एक बार बोलेंगे, एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड डूइंग बिजनेस इन इंडिया इज कॉल्ड एज फॉरेन कंपनी। यानी फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन के लिए तीन कंडीशन को फुलफिल करना था, एक तो पहली बात वो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुआ इनकॉर्पोरेटेड, दूसरी बात वो इंडिया में उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, ना कि सिर्फ जगह है, वो इंडिया में बिजनेस, मैकडी की दुकान खोल करके पर वहां पे कुछ बिकता नहीं, तो इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, जगह भी है और वहां पे कामकाज भी चलता है, शोरूम खोला है पर कपड़े नहीं, खाली पड़ा हुआ है, मान लो
शोरूम में कपड़े नहीं। अगर जारा का शोरूम खुला है फिनिक्स मॉल में, पर उसमें कुछ भी नहीं चलता, तो इसका मतलब हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बट नॉट डूइंग बिजनेस इन इंडिया। तो बोल रहे प्लेस भी चाहिए और वहां पे बिजनेस भी चाहिए तो ही माना जाएगा। अच्छा इस बात, क्या वो खुद से ही करे कि एजेंट के थ्रू भी चल सकता है? तो इंडिया में आज तक एप्पल तो एजेंट के द्वारा बिकता था, पहली बार मुंबई में एक स्टोर खुला है खुद का। तो जो खुद से भी खोले दुकान, दो किसी और के थ्रू भी खोले, उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजीज। फ्रेंचाइज समझता है? मैकडोनल्ड्स अपनी फ्रेंचाइजीज देता है, पिज्जा हट अपनी फ्रेंच, आप अपने शहर में भी इनकी फ्रेंचाइजी ले जा सकते हो। ये रिबॉक है, नाइकी है, ये जितने भी मॉल में होते हैं ना। एक मतलब मेरे मम्मी ने एक बार मुझसे सवाल पूछा, फिर मेरे को लगा कि कितना मतलब हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट को शायद से मालूम होता है पर आम जनता को इतना पता नहीं होता है। मम्मी बोलती मॉल वालों की इतनी दुकानें कैसी होती है? मैंने बोला सवाल तो सही, इनको कभी इन्होंने इनके जमाने में मॉल नहीं थे, इनके किताब में मॉल था ही नहीं, और मम्मी की उम्र के हिसाब से इनको तो लगता होगा सब मॉल वालों की दुकानें हैं। मैंने फिर मम्मी को समझाया मॉल वाले की सिर्फ धंधा होता है दुकानें किराए पे देने का, फिनिक्स मॉल का धंधा है रियल इस्टेट का, उसकी एक भी दुकान नहीं है, उसने तो अपनी दुकानों को रेंट पे दिया है। किसको दिया है रेंट पे? ब्रांड्स को, वो भी ब्रांड्स को नहीं, ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी जिसने ली है उसको। तो मान लो पूना के फिनिक्स मॉल में आपने नाइकी का शोरूम देखा, फिर वो किसका है? वो नाइकी ने रेंट पे नहीं लिया है, आप जैसे लोग जिसने नाइकी का फ्रेंचाइजी रेंट पे लिया, फिर वो जाता फिनिक्स मॉल के पास, फिनिक्स बोलता है एक गाला दे दो, यानी कि एक जगह दे दो मेरे को, फिर उसका वो किराया भरता है, फिर उसके प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, फिर कुछ बचता तो उसको मिलता है। नाइकी वाला उसका रेंट नहीं भरता, नाइकी का फ्रेंचाइज भरता है, समझ गए? तो क्या फिर वो क्या बिजनेस खुद से करते, क्या एजेंट से भी कर सकते हैं? अच्छा, क्या फिजिकल दुकान ही होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मोड भी होना चाहिए? अरे बोलो यारो, फिजिकल भी हो सकती है, जैसे मैकडी है, नाइकी है, जारा है, और क्या ये इलेक्ट्रॉनिक मोड भी हो सकता है? जैसे कि अलीबाबा है, जैसे कि अमेजोन है, अलीबाबा सुना होगा आपने, अलीबाबा है अपना, अमेजोन है, ये क्या इलेक्ट्रॉनिक मोड? अभी तौफिक को कोई आंटी उधर से सर्विस दे रही, एजुकेट कर रही, ऑनलाइन उसको पढ़ा रही, कोई नर्स उधर से उसको उसकी तबीयत ठीक करती है, क्या वो जो उसको बहुत, उसकी जब बात करें उसको बहुत मजा आता है, और बोलो नर्स और मैं, और बोलो ठीक है। सो टॉपिक के साथ में जो भी होता है ऑनलाइन एजुकेशन में, उधर की फिरंगी आंटी जो उसको एजुकेट करती है, तो क्या इसको भी फॉरेन कंपनी माना जाएगा? अगर मान लो कोई इंडियन आंटी इसको एजुकेट कर रही होगी तो इसको कोई, इट इज वेरी मच इंडियन कंपनी, ओके। अच्छा एक सवाल मैं पूछता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मतलब कोई उधर का बंदा आपको डेटा सेंटर की सर्विस दे रहा होगा, जैसे अमेजोन देता है, जैसे आपको कोई डेटा कम्युनिकेशन की सर्विस दे रहा होगा ऑनलाइन, क्या इन सबको भी फॉरेन कंपनी माना जाएगा? हाँ जी। तो अभी ये डेफिनेशन को हमको लिखना है, फॉर बिकॉज आपने सिर्फ सेक्शन नंबर लिखे है ना। चलो आ जाओ, लिखेंगे सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 42 डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी। द मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन, मोस्ट क्रिटिकल सेक्शन फ्रॉम दिस चैप्टर्स पॉइंट ऑफ, सर बाकी सेक्शन वो भी लिखवाता हूं ना, पहले तो लिखो सेक्शन 2 सबसेक्शन कौन सा 42। लिखो हेडिंग क्या आएगा, डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी, डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी। लिखो एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, कहां पे इनकॉर्पोरेटेड? आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, having place of business in India। अभी इस एग्जाम में इंडिया लिखना, having place of business in India and doing business in India, doing is also important। Having place of business in India and what? Doing business in India. Comma, through physical or electronic?
थ्रू फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मोड, और लिखा मतलब वो भी चलेगा, वो भी चलेगा थ्रू फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक कॉमा थ्रू थ्रू एजेंट और हिमसेल्फ इटसेल्फ व्हाट एवर एजेंट और हिमसेल्फ, एजेंट से भी करे या खुद से भी करे, आर कंसिडर्ड एज, आर कॉल्ड एज, बोलो क्या, आर कॉल्ड एज फॉरेन कंपनी, एग्जाम्पल दो चार नाम बोलो, जारा, ऑडी, एप्पल, अमेजॉन, नाइके, H&M, फेसबुक, मैकडोनल्ड्स, KFC, एक्सेट्रा। ओके, आज के बाद जब भी आप मॉल में गए तो फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन उसके सामने खड़े रहकर बोल देना एक बार। उसके ओनर ने मुझे क्या करा, बोला ये मंत्र है हमारा, आपको सिखाओ क्या? आप किसी भी स्टोर के सामने खड़े हो गए, बोलना आप सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 हो, वो बोलेगा क्या है डिटेल में बताओ, उसके लिए क्लास में आओ, सर डिटेल में पढ़ाएंगे। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 2। और बोलना आपको 379 से 393 एप्लीकेबल होगा, ये उसको बोल के आना, सब वहां पे खड़े होके उसको पूरा समझा के आना, और बोलना विस्तार में पढ़ना तो अकेले में मिलो हवेली पे। ओके, अब लिखो वहां पे जो मैं कह रहा हूं, लिखो लिखो फिजिक, वहां पे जो लिखा है ना फिजिकल, वो फिजिकल के नीचे अंडरलाइन करो, वहां पे लिखो Roman 1। फिजिकल जा लिखा ना आपने, अंडरलाइन करो उसको, Roman 1 दो, और Roman 1 को नीचे लिखो एग्जाम्पल, तो फिजिकल का एग्जाम्पल दो रहे, इंडिया में जारा ले लो, जारा ये फिजिकली कपड़े बेचता है इंडिया में, है ना, मैकडोनल्ड्स फिजिकली दुकानें आई हैं, नाइकी फिजिकली दुकानें हैं, ठीक है ना, ये होगी फिजिकल। अब इलेक्ट्रॉनिक को Roman 2 दे दो, इलेक्ट्रॉनिक को अंडरलाइन कर दो, Roman 2 दे दो, और नीचे Roman 2 को लिखो। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बताओ भाई, Alibaba, Amazon, गूगल, गूगल की कोई दुकान थोड़ी ना इंडिया में, मैं गूगल के स्टोर पे गया था, ऐसा नहीं था, इंस्टाग्राम की दुकान पे गया था, दे आर इलेक्ट्रॉनिक। ओके, अब एक काम करो, लिखो एजेंट जो लिखा ना, एजेंट को Roman 3 करो, ओके Roman 3 को बताओ क्या, ये सब नाइकी लिखो, नाइकी, आज भी नाइकी पूरे इंडिया में फ्रेंचाइज चलाता है, पिज्जा हट, पिज्जा हट, नाइकी, ये सब क्या है, एजेंट है, और लिखा ना थ्रू हिमसेल्फ आपने लिखा था, उसको Roman 4 कर दो, लिखो एप्पल स्टोर इन बॉम्बे, एप्पल स्टोर्स इन जियो मॉल बॉम्बे, कहां पे पता है ये BKC में, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, होली कह रहे तुम, 386 पे आ जाओ, और लिखो आप इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऐसा नाम दीजिएगा, और वहां पे तीन चीजें होगी, सर्टिफाइड का मतलब होता है ट्रू कॉपी, बहुत गिरा हुआ है, कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आएगा, सर्टिफाइड का मतलब ट्रू कॉपी होता है, आपको कभी होता है ना कॉलेज में होता है दिस डॉक्यूमेंट मस्ट बी सर्टिफाइड, इसका मतलब क्या होता है कि वो किसी चार्टर्ड अकाउंट से वो लगाते ना, इसका जेरोक्स जो है वो थप्पा लगा के बोलते ट्रू कॉपी, आपने कभी किया है ऐसा, आपका मेन डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता, फिर जेरोक्स नहीं जीतकर ट्रू कॉपी, वो जनरली सी ए कर सकते, तो उसको सर्टिफाइड मतलब ट्रू कॉपी होता है,
कोई क्वेश्चन वाला काम नहीं, ये आ सकता है। डायरेक्टर मतलब कौन? डायरेक्टर इंक्लूड्स कोई भी ऐसा पर्सन, और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अकस्टम टू एक्ट, यानी कि जिसके डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो डायरेक्टर होते ही हैं, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसके इशारे पर काम, जैसे हमने शरद पवार का एग्जांपल लिया था उस दिन, वो सत्ता में हो ना हो सब लोग सुनते हैं उसकी, तो वैसे डायरेक्टर जो है, बोलो क्या डायरेक्टर, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो डायरेक्टर ही, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसका सुनते हैं ना वो भी डायरेक्टर माना जाता है। देखो इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स? एनी पर्सन हु डायरेक्ट्स और इंस्ट्रक्ट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इंक्लूड्स मतलब क्या है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ही, पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसकी सुनते हैं वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हालांकि उसके नाम के सामने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं होगा, फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर माना जाएगा अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी सुनते हैं तो। और लास्ट में प्लेस ऑफ बिजनेस। सर प्लेस ऑफ बिजनेस, जैसे हम लोग जारा का स्टोर देखते हैं, नाइकी का देखते हैं, लगता है कोई दुकान है, पर कभी कभी कुछ लोग की इंडिया में दुकान ना हो, केवल यहां पे उनका रजिस्ट्रेशन ऑफिस हो, जैसे एग्जांपल टेस्ला का शोरूम नहीं है, पर वो सिर्फ वहां पे बोलता टेस्ला चाहिए लिख के तो मैं आपके घर पे भेजता हूं। कभी कभी होता है, देखो कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हम उसको बोलते हैं ऑर्डर टू मेक, ऐसा कुछ एक वर्ड सुना है कभी? कोई टेलर होते, देखो टेलर या कोई फर्नीचर्स वाले होते, आप उसको बोला ऐसा ऐसा बना के दो, उसके शोरूम में कुछ नहीं है, वो सब बना के आपको देगा। बहुत सारे टेलर्स भी ऐसा करते हैं, जो डिजाइनर्स होते हैं, आप बोलते ऐसा ऐसा चाहिए, अभी कुछ नहीं देगा आपको, वो बना के देंगे आप। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस, वो बोल रहे हैं कि कोई फॉरेन कंपनी है, जो बोलेगा तो टेस्ला चाहिए आपको, ओके आप लिखवा के देखो कौन से टाइप की टेस्ला चाहिए, हम भिजवाते हैं, उनके शोरूम में टेस्ला नहीं है। तो बोलते हैं अगर वो सिर्फ क्या जगह है, देखो इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स? इंक्लूड्स बोलो क्या? रजिस्ट्रेशन ऑफिस कॉमा शेयर ट्रांसफर ऑफिस, शेयर ट्रांसफर ऑफिस। सर ये क्यों आपने पढ़ा है? बिकॉज के ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, ये फॉरेन कंपनी है क्या जिसका इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है, पर इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस के नाम पे सिर्फ शेयर ट्रांसफर ऑफिस है, तो क्या उसको प्लेस ऑफ बिजनेस मानेंगे? हाँ मानेंगे, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और इंडिया में केवल उनका रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, माल बिकता नहीं, सिर्फ वो लेते, सिर्फ नाम लिखवा के लेते, तुमको क्या चाहिए तुमको कैसे लिखते, माल देते नहीं, वो फिर माल बनता आता, तो फिर भी उसको फॉरेन कंपनी मानेंगे। अच्छा टेल मी, फॉरेन कंपनी का जो डेफिनेशन है उसमें बहुत ज्यादा चीजें कवर है क्या नहीं है? मतलब इसके डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इंक्लूसिव है, यानी कि बहुत सारी चीजों को फॉरेन कंपनी मानते हैं, ताकि जितनी ज्यादा कंपनीज इसके डेफिनेशन के अंडर में आएगी उतना ज्यादा ये सेक्शन नंबर सबकी बजा सकता है ऐसा। ओके ये सेक्शन खत्म, इसमें हाईलाइट कर दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, चलो मैं आगे बढ़ जाता हूं, मैं अब सेक्शन नंबर उसकी बात करता हूं 387 की। ये क्या है 387? क्या है ये? डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स। ओके प्रोस्पेक्टस शुड बी डेटेड एंड साइंड, ऐसा पढ़ा था हमने प्रोस्पेक्ट। देखो सुनो, चार सेक्शन का यहां पे वो है, आपको वो करना है तो वो करना पड़ेगा, और वो करना तो वो करना पड़ेगा, उसके बगैर फिर वो नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल आपको करना है आईडी 390 कहता है, क्या कहता है 390 कहता है आप इंडिया में आइडिया इशू कर सकते,
बराबर है हा? ए, बोलो साहब आइडिया इशू करना है ना तो आपको लाना पड़ेगा इंडिया में 387 के हिसाब से प्रॉस्पेक्टस इंडिया में लाना पड़ेगा ओके एंड विदाउट प्रॉस्पेक्टस यू कांट इशू आइडिया इन इंडिया ओके बट प्रॉस्पेक्टस में क्या होना चाहिए कंटेंट प्रॉस्पेक्टस के अंदर क्या क्या लिखा होना चाहिए मान लो इसके अंदर क्या कंटेंट होना चाहिए ओके ये वहां पे लिखा होता है इसके अंदर क्या कंटेंट होना चाहिए तो ये सब कहां पे लिखा हुआ है 387 इट हैज टू बी डेटेड इट हैज टू बी साइन प्रॉस्पेक्टस के अंदर क्या क्या होना चाहिए वो सब लिखा हो पर आप जानते हैं प्रॉस्पेक्टस के नॉट बी इशूड और सर्कुलेटेड अनलेस इट इज रजिस्टर विथ किसके साथ में आरओसी के साथ में जब तक आप रजिस्टर प्रॉस्पेक्टस को नहीं करोगे आप उसको जनहित में जारी नहीं करो सर्कुलेट नहीं कर सकते और एक बात ये कर ही नहीं सकते जब तक आप एक्सपर्ट का कंसेंट नहीं लेते ओके तो एक्चुअली अगर ये सेक्शन ही नहीं होता तो इन तीनों की जरूरत ही ना होती तो जरा चारों सेक्शन को एक बार बोल के बताओ सीक्वेंस में 387 में क्या लिखा है प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या लिखा होना चाहिए कौन से प्रॉस्पेक्टस आपके नहीं इंडिया के अंदर के लोगों के लिए नहीं है कोई फॉरेनर को इंडिया में सिक्योरिटी लाना है या आइडिया लाना है सर ये जो लिखा है प्रॉस्पेक्टस ये क्या सिर्फ आइडिया के लिए लिखा है नहीं इंडिया में अगर उसको शेयर्स भी इशू करना है तब भी सिक्योरिटीज का मतलब नॉट ओनली आइडिया इट कुड बी शेयर्स इट कुड बी डिबेंचर इट कुड बी एनीथिंग जिसके द्वारा पैसे रेज हो रहा हो कौन कर रहा है नाम ही लिखा एक चैप्टर का नाम ही कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया तो ये रिलायंस के लिए एप्लीकेबल है ही नहीं ओके फिर 388 में क्या लिखा है प्रॉस्पेक्टस को सर्कुलेट ना करे बगैर 389 में क्या लिखा है उसको सर्कुलेट ना करे जब तक आरओसी के पास में प्रॉस्पेक्टस को जमा ना करवाए और 390 में क्या लिखा है भारत के बाहर के लोग इंडिया में पैसे रेज करने के लिए आईडीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं आपको सब कुछ समझ आ रहा है अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं ओके सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा 390 के साथ बोलो 399 में आइडिया इश्यू कर सकते हैं कैसे करना पड़ेगा उनको आइडिया इश्यू कोई भी फॉरेन कंपनी आइडियार इश्यू कर सकती है एक बार देखो क्या सीजी में मेक रूल्स एप्लीकेबल टू ऑफर आइडियार एंड मैनर इन विच आइडियार शाल बी डेल्ट विद द डिपॉजिटरी मोड बाय कस्टडियन एंड अंडरराइट बराबर है और ना कि सिर्फ सीजी के रूल्स फॉलो करना जरूरी है बल इनको सेबी और आरबीआई के रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा ये हमने ऑलरेडी देखा था बोलो क्या बोला था एक बार बताओ कल हमने लिखा भी था इसको कल आपने एक चिट्ठी लगाई थी मुझे याद है जरा देखो एक बार 390 में क्या लिखवाया था मैंने कुछ लिखा था आपने 390 के पास एक चिट्ठी लगा था एक बार पढ़ो अगर आप इंडिया में आईडीआर कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा रूल्स तो फॉलो करना ही पड़ेगा जो सीजी ने दिए है पर जो आरबीआई ने दिए है और से भी वो तो रूल्स फॉलो करना पड़ेगा साथ ही साथ अगर कोई भी फिरंगी कंपनी इंडियन कंपनी के साथ में यार इंडियन कंपनी फिरंगी कंपनी के साथ में मर्ज हो रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा यहां पे लिखा है कि उस क्वेश्चन में आपको 234 फॉलो करना पड़ेगा हाउएवर बोलो क्या लिखा था नीचे वो नहीं हो सकता यानी एनसीएलटी ऐसे मर्जर को हां नहीं कह सकती जब तक आरबीआई के रूल्स को फॉलो ना किया गया एग्जामिनेशन में पूछेंगे वोडाफोन आईडिया के साथ में मर्ज होना चाह रहा है हो सकता क्या आप बोले यहां हो सकता उसको 234 लगेगा एनसीएलटी से परमिशन देना पड़ेगा पर एनसीएलटी हां नहीं बोलेगा जब तक आरबीआई ने हां नहीं बोला सर क्लियर एवरीवन आप भी बताओ एक बार बता दो टू हम लोग क्या पढ़े 390 एक बार बोलो क्या बोलेंगे क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा ये करने के लिए बोलो क्या फॉलो करना पड़ेगा एनी फॉरेन कंपनी कैन बोलो क्या इशू क्या कर सकते हैं आईडिया इशू कर सकते हैं
प्रोवाइडेड किसको फॉलो किया गया, फॉलो सीजी रूल्स प्लस व्हाट कि रेगुलेशंस जो भी इन्होंने बनाए होंगे, राइट। ये तो एकदम सेक्शन का एक सेक्शन यही है। और साथ में क्या लिखा है, और एक पॉइंट लिखा है, ए बोलो क्या, मर्जर अमालगमेशन किसके साथ में हो रहा होगा, अमालगमेशन हो रहा किसके साथ में, विथ फॉलो किसको, 234 ऑल्सो टेक दी और फॉलो क्या लिखा, फॉलो द रूल्स, रूल्स ऑफ किसके, रूल्स ऑफ आरबीआई, बराबर है। यही आपका सेक्शन नंबर 390। ओके, एग्जामिनेशन में पूछेगी ये कंपनी आईडीआर लाना चाह रही है इंडिया में, बताओ ला सकती कि हाँ ला सकती है, तो क्या करेंगे, इसे सीजी ने जो टाइम टू टाइम रूल्स बनाए वो फॉलो करना पड़ेंगे, आरबीआई, आरबीआई का क्यों, बिकॉज इसमें फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व है, तो आरबीआई आएगा। और सेबी क्यों बीच में आ रहा है, सेबी बोला मेरे स्टॉक एक्सचेंज पे ला रहे तो मुझे भी पूछो, तो जिन जिन का कंसर्न इन्वॉल्व है सब आ रहे हैं हमारे, हमें फॉलो करो, हमें फॉलो करो। और साथ साथ में कोई भी एग्जाम्पल दे दो इसका, वोडाफोन, आइडिया, टाटा, मारुति, सुजुकी, ऐसे केस में आपको 234 लगेगा ही लगेगा। 234 में क्या बोला पता है क्या, आपको किससे पूछना पड़ेगा, एनसीएलटी से। और एनसीएलटी बोलता है मैं हाथ अभी बोलूंगा जब आरबीआई हाथ है, मेरी उम्मीद है आप लिखे और लिखे इसको एक बार अच्छे से खत्म कर ले। फिर से एक बार समरी, आपकी आपकी बार जब आप लिखोगे तो मन से लिखे, दिल से लिखे, लगा भाई क्या बोल रही हो, हावली क्या, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं। आर वी रेडी, सच कहा तो नॉट रियली, तो वेट करते हैं। किस चीज का ऐड चल रहा पता है आपको, You're beautiful, you're criminal, girl you took everything from me, can't let you go, like a general, I'm going into battle, cause you stole the breath from my lungs, cutting out of veins, bleeding love, let's remember that scene, गाना पहचानो, tears running down my cheek, I can feel your body so close to me, I can hear the rain dropping at your feet, cause your love was gone, 24/7 I will be waiting, out of the rain till somebody saves me, don't care if it takes forever to make you believe. It's like a gunshot went straight through me, stop my heart from beating. No, won't let you get away. Cause I can see the tears running down the cheek. Or guys, okay, done. Hello guys, over.
अब आप लिखेंगे दोस्तों 390 तो आपने लिखा है, अब आप प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी लाइक दिस ओके। आप लोग क्या करेंगे वो करेंगे जो आपने करना है। सेक्शन नंबर 388, बोलो कोई भी प्रोस्पेक्टस और कोई भी इशू इंडिया में नहीं हो सकता, हो सकता या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता जब तक क्या ना हुआ हो, जब तक क्या नहीं हुआ इंडिया में। अगर इंडिया में आपको करना है, एक मिनट रुकिएगा, फटाफट जल्दी से मेरा खत्म हो रहा है। आप लिखो सेक्शन नंबर 388 कंसेंट, एक्सपर्ट्स कंसेंट, 388 बेटा, एक्सपर्ट कंसेंट, एक्सपर्ट का कंसेंट 388। लिखो नो नो नो, क्या नो? नो कंपनी, नो फॉरेन कंपनी कैन, नो फॉरेन कंपनी कैन इश्यू कॉमा सर्क्यूलेट, इश्यू कॉमा सर्क्यूलेट प्रोस्पेक्टस इन इंडिया, प्रोस्पेक्टस इन इंडिया। बोलो कब तक नहीं? अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय एक्सपर्ट, हावेवर इफ कंसेंट इज विड्रॉन, before the delivery of prospectus, यानी कि आपने पहले हाँ बोल दा और शादी होने से पहले मना कर दिया, फिर शादी नहीं होगी, और शादी होने का तो मना किया तो फिर आप कुछ नहीं होता, ऑप्शन नहीं। आपने इशू कर दिया और फिर बाद में मना किया, वैसा नहीं। इशू करने से पहले अगर उसने एक्सपर्ट ने मना किया होता तो मैंने क्या कहा, हाउ एवर एक्सपर्ट हैज विड्रॉन द कंसेंट बिफोर डिलीवर प्रोस्पेक्टस देन प्रोस्पेक्टस कांड बी इश्यूड, प्रोस्पेक्टस कांड बी इश्यूड। अच्छा, इश्यू नहीं हो सकता, मतलब उसने पहले हाँ बोला फिर मना कर दिया। कैसे कैसे भाषा बोलते, आपको पता है ये तो आपने लिख दिया एक्सपर्ट कंसेंट, पर आपको पता है कल यहां पे जब मैम आई थी सेक्शन 33 और 40 का जिक्र हुआ था, उसमें लिखा था यहां पे इफ द प्रोस्पेक्टस डज नॉट हैव इफेक्ट वेयर द एप्लीकेशन इज मेड इन द परसेंस देयर ऑफ रेंडरिंग ऑल पर्सन कंसर्न बाउंड बाय ऑल द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 33 एंड सेक्शन 40 सो फार एज एप्लीकेबल। ये क्या मतलब था बताया आपको, सेक्शन 33 टॉक्स अबाउट द इश्यू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर द सिक्योरिटीज, ब्रीज प्रोस्पेक्टस 33 और 40 क्या है, सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट इन स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या बोलना चाह रहा है, यानी कि दोस्तों यहां पे लिखाया था नो पर्सन, कोई भी पर्सन इशू नहीं कर सकता जब तक वो 33 और 40 के उसको फॉलो नहीं करता, यानी कि कोई भी पर्सन अपने प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं कर सकता है जब तक उसने, नहीं मुझे बोलना है और, प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं कर सकता जब तक सेक्शन 40 क्या है, टू बी डेल्ट इन, किसमें लिखा, स्टॉक एक्सचेंज, यानी किसकी परमिशन नहीं मिली, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन नहीं मिली आप इसको इशू नहीं कर सकते। आपने अब्रीज प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं किया, आप इसको सिक्योरिटीज को इशू नहीं कर सकते, यानी कि भारत के अंदर अगर आपको सिक्योरिटीज इशू करना है और आप फिरंगी कंपनी हो तो आपको सेक्शन 33 और 40 एप्लीकेबल हो जाता है। Is that clear everyone? Please write down. वहां पर लिखे देखो no person, हाँ उसी के नीचे आगे ये लाइन फुल स्टॉप अगली लाइन, no person can issue
can issue prospectus unless it follows section 33 and 40. It follows section 33 and 40. ओके डन। अभी अगर मैं आपसे पूछूं एक बात, तो आपने 388 लिख दिया, अब 387 बाकी और 89 बाकी है। ये छोटे सेक्शन है, लिखो 387, लिखो नंबर वन प्रॉस्पेक्टस शुड बी डेटेड एंड साइन, लिखो प्रॉस्पेक्टस शुड बी डेटेड एंड साइंड। अब बताएंगे उसमें कौन से पर्टिकुलर्स चाहिए। माइक चेक। अब लिखेंगे आप वहां पे इट शुड कंटेन फॉलोइंग मैटर्स अलोंग विथ सेक्शन नंबर 26, अलोंग विथ सेक्शन नंबर 26। क्या बोला मैंने बताओ? अगर इंडिया में, जैसे इंडिया के अंदर कोई भी प्रॉस्पेक्टस इशू करता है ना, उसको 26 लगता है, तो इनको तो 26 लगेगा ही लगेगा, पर ये फॉरेन कंपनी तुमको और थोड़ा बजाएंगे। तो लिखो क्या क्या रखते हैं, नंबर वन लिखो अलोंग विथ सेक्शन नंबर 26, राइट। क्या क्या लगेगा आप लिखो, नंबर वन मतलब 26 में जो लिखा वो तो लगाएंगे ही लगेगा। अरे भाई इनका प्रॉस्पेक्टस है ना, तो 26 में जो लिखा वो तो लिखना ही पड़ेगा इनको, पर साथ में और कुछ देना पड़ेगा। नंबर वन लिखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड है कि पब्लिक है, जो भी है आपको कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ेगा। नंबर टू इनैक्टमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनैक्टमेंट, लॉ लिखो, एड्रेस ऑफ इनैक्टमेंट। ये क्या होता है एड्रेस ऑफ इनैक्टमेंट, और जिसको पढ़ने की बहुत ही मस्ती, तो कहां पे जाके पढ़े, नहीं इंडिया के अंदर कहां पे वो इनैक्टमेंट रखा हुआ है उसका एड्रेस, एड्रेस ऑफ कंपनी नहीं है ये लॉ। अगर किसको डिटेल में पढ़ना है, अभी देखो मान लो ये कंपनी यूएस की, तो उसको यूएस का लॉ फॉलो होगा, तो आप पॉइंट नंबर टू में लिख रहे यूएस का लॉ फॉलो होगा। फिर पॉइंट नंबर थ्री में लिख रहे किसी को ये लॉ पढ़ना है, तो इंडिया के कौन सी जगह पे हमने लॉ की किताब रखी हुई है। नंबर चार लिखो कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंट्री ऑफ, कौन से कंट्री से आप बिलोंग करते हो, सब चीजें आपको प्रॉस्पेक्टस में लिखना है। एस्टैब्लिश्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, आपने इंडिया का बिजनेस का पता, सर आपने पहले क्या बोला था, उधर की कंट्री का नाम, फिर यहां के इंडिया में आपका एड्रेस कौन सा है। सर इंडिया में कौन सा एड्रेस, उससे क्या मतलब है, कल्चर के कुछ हमारे साथ कांड होता हमें पता होना चाहिए कि कहां पे जाके लड़ना है। हाँ ओके अंडरस्टूड गाइस, बोलो क्या क्या लिखा आपने, क्या डेटेड साइन होना चाहिए, 26 फॉलो करना है, और साथ में क्या क्या लिखा है, उनके प्रॉस्पेक्टस में वो भी होना चाहिए, इधर का इंडिया का एड्रेस होना चाहिए, उधर की कंट्री होना चाहिए, फिर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कौन सा इनैक्टमेंट है, और इनैक्टमेंट इंडिया में किस जगह पे रखा है, वो सब कुछ लिखा है। इसमें कंडीशन थी अगर आप 2 साल से अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको ये सब कुछ फॉलो करने, यू रिमेंबर व्हाट आई सेड, प्रोवाइडेड 1-3 ऑफ पॉइंट ए शैल नॉट बी एप्लीकेबल इफ द प्रॉस्पेक्टस इशूड मोर देन 2 ईयर्स आफ्टर द डेट एट विच द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस, यानी कि 2 साल, यानी कि अभी क्या 2023 चल रहा है और कंपनी 2020-21 में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, तो उस केस में इनको जो 3 बातें इनैक्टमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन और इनैक्टमेंट कहा रखा है वो लिखने की जरूरत नहीं। और लिखो हाउएवर प्रॉस्पेक्टस इज इशूड कब इशू किया आपने, आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिल्कुल सही, आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।
इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, कहीं भी आपने बिजनेस कमेंस किया हुआ तो, इन इंडिया और आउटसाइड बिजनेस, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, देन प्रॉस्पेक्टस शुड नॉट हैव फॉलोइंग डिटेल्स. Prospectus should not have following details. कौन सी? नंबर वन कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें फिर आप लिखो मत कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. कॉमा इनैक्टमेंट, यानी कौन सा लॉ फॉलो करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन कॉमा इनैक्टमेंट एंड प्लेस ऑफ इनैक्टमेंट. तीसरा है प्लेस ऑफ इनैक्टमेंट. एक बात पूछना चाहता हूं, कब आपको ये देने की जरूरत नहीं है प्रॉस्पेक्टस? जब आप एग्जिस्टिंग मेंबर को दे रहे हो, या फिर सेम शेयर्स आपके या सेम सिक्योरिटी ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो उन दोनों भी केस में लिखो. प्रॉस्पेक्टस आर नॉट रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग टू केसेस. पहले इसके पहले बोला था प्रॉस्पेक्टस में तीन बातें नहीं होना चाहिए, अब तो बोल रहा प्रॉस्पेक्टस ही नहीं होना चाहिए. Prospectus are not required in following cases. कौन से cases में? Prospectus are not required in following cases. कौन से cases में? Number one. लिखो. If it is issued to the existing member or debenture holders. If it is issued to किसको? Existing members or debenture holders. आप existing लोगों को दे रहे तो फिर जरूरत नहीं. Existing members or debenture holders. देखो नंबर टू, लिखो यूनिफॉर्म सिक्योरिटी. यूनिफॉर्म सिक्योरिटी इज प्रीवियसली इश्यूड. यूनिफॉर्म सिक्योरिटी इज प्रीवियसली इश्यूड. And quoted on recognized stock exchange. बोलो क्या क्या हुआ है इस सेक्शन में? क्या बोल रहा है प्रॉस्पेक्टस? कैसा होना चाहिए? डेटेड होना चाहिए, साइन होना चाहिए, 26 को फॉलो करना जरूरी है. और साथ साथ में क्या बोल रहा है? इनैक्टमेंट चाहिए, इनैक्टमेंट का एड्रेस चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और क्या लिखा है? दो, कौन से कंट्री का है वो और इंडिया में उनका एड्रेस कौन सा है. अगर आप एग्जिस्टिंग मेंबर को दे रहे हो तो प्रॉस्पेक्टस की जरूरत नहीं है. अगर ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे है तो प्रॉस्पेक्टस की जरूरत नहीं. दो साल से ज्यादा का बिजनेस अगर हुआ तो ये तीन चीजें जरूरत नहीं. इनैक्टमेंट जरूरत नहीं है, प्रोविजन जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन जरूरत नहीं है, और इनैक्टमेंट का एड्रेस भी जरूरी है. एंड द लास्ट पॉइंट नाउ 389, आप लिखो रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस. प्रॉस्पेक्टस को रजिस्टर कराने गए, उसके बाद के तीन सेक्शन बहुत ही छोटे से. रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस, बोलो क्या कराना पड़ेगा? पहली बात तो लिखो सर्टिफाइड बाय. कौन सर्टिफाई करना चाहिए? वन चेयरपर्सन प्लस टू डायरेक्टर्स. वन चेयरपर्सन, लिखते समय ध्यान रखिएगा आप जो पढ़ रहे हो लिख रहे हो. वन चेयरपर्सन एंड टू क्या? डायरेक्टर्स. एंड अप्रूव्ड बाय, अप्रूव्ड बाय मैनेजिंग बॉडी, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, मैनेजिंग बॉडी, अप्रूव्ड बाय मैनेजिंग बॉडी. लिखो full stop. After that, after ये सब हो गया, आपके अप्रूवल लेके सर्टिफाई कर लिया आपने, after that it can't be issued, it can't be issued or circulated.
unless it is registered with. It can't be issued or circulated unless it is registered with. किसके हाथ में? ROC. Unless it is registered with. अरे आपने सर्टिफाई कर लिया है, अप्रूव ले लिया ना, तो डायरेक्टली पब्लिक को मत दो आप, पहले मम्मी को बता दो कि मम्मी दे रहे हैं अभी. आपको पता है घर में जब कभी कोई वो पूजा वगैरह होती है ना, तो पहले वो प्रसाद भगवान के सामने रखते हैं और फिर हम लोग खाते हैं. क्यों? वहां से वो उनको पहले इज्जत दी जाती है और फिर हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं. ऐसा होता है देवी देवताओं की पूजा, यानी कि उनका पहला मान होता है. वैसा ही है वो आरओसी देना पब्लिक को ही है, पर आरओसी को मुंह दिखाए भाई देख लिया ऐसा दे रहे हैं, बोलते ओके फाइन अब दे दो पब्लिक को, तो दे दो पब्लिक को. अब लिखो वहां पे क्या होता है कि कुछ चीजें हैं जो एनेक्स में करना पड़ेगी आपको प्रॉस्पेक्टस में जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो. लिखो डॉक्यूमेंट शाल बी अनेक्स्ड. डॉक्यूमेंट शाल बी अनेक्स्ड. लिखो नंबर वन एक बात बताओ, ये डॉक्यूमेंट्स आपने एक को बनाया क्या बोलते हैं प्रोस्पेक्टस बनाया आरओसी को दे रहे हो, तो सिर्फ प्रोस्पेक्टस देंगे या ये सब कुछ भी देंगे जो मैं लिखवा रहा हूं? मतलब ये सब कुछ जब तक नहीं देंगे आरओसी बोलेगा मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे मजे दिलाओ, तो आरओसी को मजे कैसे आएंगे ये सब देने के बाद? तो सबसे पहले मजे दिलाओ. नंबर वन लिखो कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट. एक्सपर्ट का कंसेंट, एक्सपर्ट का कंसेंट. एक्सपर्ट का कंसेंट नंबर दूसरी बात, अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी. With contract. MD को जो अपॉइंट किया गया है उसका आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया वो भी दे दो ROC को. लिखो अंडरराइटिंग एग्रीमेंट. तीसरी बात ROC को बताना पड़ेगा आपको कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है. अंडरराइटिंग एग्रीमेंट. उसके बाद POA, पावर ऑफ अटॉर्नी जो भी होगा. लिखो POA. अब लिखो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नॉन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नॉन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. चलो बोल के बताओ भाई क्या लिखा आपने, हो गया इस सेक्शन. हाँ बताओ क्या आप रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, करना चाहिए, किसकी साइन होना चाहिए? चेयरपर्सन की, दो डायरेक्टर, उन्होंने सर्टिफाई, सर्टिफाई करना चाहिए, यानी कि उन्होंने देखना चाहिए सब बराबर लिखा हो. फिर मैनेजिंग बॉडी जो भी होगी होगी, उन्होंने बोलना चाहिए ओके फाइन हमारा अप्रूवल है आप आरओसी को दे दो. तो आरओसी के पास गए तो आरओसी बोला ये सब डॉक्यूमेंट लेकर आओ. कौन से कौन से? पीओए लेकर आओ, अंडरराइटिंग एग्रीमेंट लाओ, मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट किया उसका कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ, एक्सपर्ट कंसेंट ले आओ, और कोई भी आपने मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट होगा नॉन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो सब लाओ, तब जाके मैं करवाऊंगा. अब लिखो 391. अब ये तीन सेक्शन एकदम छोटे से हैं, नेक्स्ट 5 मिनट्स इट्स ओवर. 391 लिखो, नहीं 391 तो लिखने मतलब लिखने लायक ही नहीं है, 392 लिख दो. अब लिखो पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रावेंशन. क्या बोल रहा है पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रावेंशन? यू रिमेंबर उसके दो पार्ट में डिवाइड करो, एक लिखो कंपनी एक लिखो ऑफिसर. पनिशमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करो, आपने कल भी लिखा था ऐसे, एक पार्ट में लिखो कंपनी एक पार्ट में लिखो ऑफिसर. कंपनी को कितने? 391 नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, 92 में जाओ डायरेक्टली, ठीक है ना? ये है पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रावेंशन, है ना? हेडिंग दिया आपने पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ चैप्टर नंबर 22 लिख दो. पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ चैप्टर नंबर 22 डबल एक्स डबल आई, राइट? अब बताओ दो लोगों को पनिशमेंट हो गई, अगर यानी कि 379 से लेके 393 के सेक्शन को अगर आपने फॉलो नहीं किया
तो पनिशमेंट किसको होगी? कंपनी को, और दूसरा ऑफिसर को। तो दो पार्ट में डिवाइड करो, एक साइड में लिखो कंपनी, एक साइड में लिखो ऑफिसर, और कंपनी को भी दो पार्ट में डिवाइड करो। कितना सजा होगी इसको? लिखो मिनिमम 1,00,000, मिनिमम 1,00,000, मैक्सिमम कितना? वेरी गुड। कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड करो, मिनिमम कितना? 1,00,000, और मैक्सिमम 3,00,000। और उसके नीचे लिखो मिनिमम मैक्सिमम के नीचे जो लाइन है ना, वहां पे लिखो 50,000 पर डे इफ द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। 1,00,000-3,00,000 तो लेंगे लेंगे कंपनी से, 50,000 इफ, बोलो क्या, डिफॉल्ट कंटिन्यूस। अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू होता है तो आपसे कितने पैसे लिए जाएंगे? कंपनी से 50,000 रुपए रोज का, हर रोज। यानी कि सोचो ना, अगर मान लो इंडिया में आता 30 दिनों के अंदर, उन्होंने दिल्ली आरओसी को जाना चाहिए था, पर 30 दिन में नहीं गया, 5 दिन बाद गया, तो आपने 1,00,000-3,00,000 तो देना ही, बिकॉज आपने डिफॉल्ट किया। पर जब डिफॉल्ट कंटिन्यू होगा 5 दिन के लिए, तो आपसे 2,50,000 और ले लेंगे वो, ठीक है ना। अब लिखो उसके नीचे ऑफिसर के नीचे मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5,00,000, मिनिमम 25,000। जैसे इधर मिनिमम 1,00,000-3,00,000 सिखा था ना, यहां पे मिनिमम कितना? 25,000, मैक्सिमम कितना? 5,00,000। मिनिमम कितना? 25,000, मैक्सिमम कितना है? दिस सेक्शन ओवर है, नाउ नेक्स्ट वन, लास्ट वन, 393, द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। लिखेंगे वहां पे, इफ फॉरेन कंपनी डज नॉट फॉलो एनी ऑफ द प्रोविजन, इफ फॉरेन कंपनी डज नॉट फॉलो, 393 पे लिखना, इफ फॉरेन कंपनी डज नॉट फॉलो एनी ऑफ द प्रोविजन, एनी ऑफ द प्रोविजन, आपने किसी को भी फॉलो नहीं किया, कोई भी एक सेक्शन को भी फॉलो नहीं किया, देन फॉरेन कंपनी कैन बी सूड, कैन नॉट सू। कंपनी को लोग बजा सकते हैं, कंपनी लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चला सकती। इंडिया में लोग इनके खिलाफ मुकदमे चला सकते, कोर्ट में केस कर सकते हैं। कंपनी कैन बी सूड, कैन बी सूड यानी लोग बजा सकते हैं, बट कैन नॉट सू। मीन्स कंपनी कैन नॉट इंस्टीट्यूट, मीन्स कंपनी कैन नॉट इंस्टीट्यूट एनी लीगल प्रोसीडिंग, cannot institute any legal proceeding against public, cannot institute any legal proceeding against किसके? Public, okay? और यहां पे exemption, और लिखो लास्ट में कोई सेक्शन नंबर नहीं, ऐसे लिखा है सर, exemption under this chapter, और बहुत ही गिरावट लिखा है, central government may exempt any class of foreign companies by giving notification। क्या कुछ काम करने जाए, By giving what? Notification. Okay? बताओ मैं क्या क्या बोला अभी फटाफट जल्दी से। बच्चों अभी तक के सारे जो सेक्शंस हुए, सिर्फ सेक्शन नंबर याद करें, फिर आप ब्रेक ले ले। बोलो बच्चों 379। अब आपकी समरी नोट आपके सामने होना चाहिए, जब नहीं आ रहा तो आप देख ले उसमें। कितने पेजेस की बनी समरी नोट है? 5-6 पेजेस की बनी होगी, इतना पढ़ेंगे बस आपका हो गया, ओके? इससे ज्यादा कुछ नहीं इस चैप्टर में, ओके? आप बोलो जल्दी से 379 एवरीवन, किसको एप्लीकेबल है जल्दी बोलो फास्ट। 242 वाले को भी है, और जो कंपनी इंडिया के बाहर है पर इंडिया का पैसा लगा हुआ है, कितना मिनिमम? तो उसको तो ये चैप्टर लगेगा ही लगेगा, और कुछ और भी लग सकता है। 380 में बोलो क्या लिखा है, उनको इंडिया के आरओसी पे रजिस्टर करना पड़ेगा, कितने दिनों के अंदर, कौन सी भाषा में देना पड़ेगा, और इंग्लिश में नहीं तो कौन से फॉर्मेट में, FC1 में, और चेंजेस होंगे तो आप बताओ क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, इधर का ऑफिस, इधर का डायरेक्टर,
और इंडिया के कोई भी डायरेक्टर ने गलत काम नहीं किया वो भी लिख के देना पड़ेगा और एमओए एओ भी देना पड़ेगा. इज दैट ओके? सेक्शन नंबर 381 अकाउंट्स फाइनेंशियल होने के किसको देना पड़ेगा, कौन सी भाषा में और इंग्लिश में नहीं तो ये सब कुछ कौन से फॉर्मेट में, एफएस देना पड़ेगा, सीएफएस देना पड़ेगा, क्या साथ में नंबर ऑफ ब्रांचेस का लिस्ट देना पड़ेगा, लेटर पार्टी ट्रांजैक्शंस और इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा साइन होना चाहिए और आपने इंडिया के बाहर कितना पैसा रिपैट्रिएट किया वो भी लिखना चाहिए. सेक्शन नंबर 382 डिस्प्ले के बारे में याद है, आपकी समरी नोट साथ में घूमना चाहिए, वो लिखिए ताकि आप एक बार रिव्यू करते रहो. 382 में डिस्प्ले क्या हो रहा है इंडिया के ऑफिस के बाहर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी बिल हेड्स होगा लेटर हेड होगा वहां पे क्या लिखेंगे, कंपनी का नाम क्या है, कौन से कंट्री से इनकॉर्पोरेटेड है और उनका लिमिटेड लायबिलिटी, कौन सी भाषा में लिखेंगे, इंग्लिश भी और जो भी लोकल लैंग्वेज है. 383 में अगर इंडिया में किसी को भी नोटिस सर्व करना है फॉरेन कंपनी की तो क्या करेंगे, फॉरेन कंपनी को अगर इंडिया में नोटिस सर्व करना है जीएसटी डिपार्टमेंट तो क्या करेगा, तो जिस बंदे का नाम 380 में दिया था और जो एड्रेस दिया था अगर वहां पे आप लेफ्ट कर रहे हो या पोस्ट कर रहे हो कुरियर से कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक तो वो सब कुछ माना जाएगा जैसे फॉरेन कंपनी को मिल चुका हो. 384 बोलो तो कौन से मोटाटिस मोटांडिस के तीन है, डिबेंचर मोटाटिस मोटांडिस है, चार्जेस भी है और इंक्वायरी इंस्पेक्शन सब्जेक्ट टू सम चेंजेस एनुअल रिटर्न भी है एंड 135 भी है. और 128 के बुक्स में दो ही बातें हैं कि उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा और वो कहां रखना पड़ेगा. अब बात करेंगे 380 जो बताएंगे आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करते समय कितनी फीस देना पड़ेगी एज में भी. 386 क्या लिखा है इसमें, एक ही काम की है. डायरेक्टर किसको बोलते हैं, जो डायरेक्टर तो रहते ही है पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनका सुनते हैं, आपके पास बुक होना चाहिए आपकी है ना, डायरेक्टर इंक्लूज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो लोग सुनाते हैं उनको भी डायरेक्टर ही माना जाता है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिनके इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं उनको भी डायरेक्टर माना जाता है. और बताओ वो क्या था, और एक माइन प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि शेयर ट्रांसफर ऑफिस भी या रजिस्ट्रेशन ऑफिस को भी प्लेस ऑफ बिजनेस मानते हैं. अब बात करेंगे 387 क्या प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या क्या कॉन्टेंट होना चाहिए 387 में है, क्या कॉन्टेंट होना चाहिए उसमें, आपने पहली बात तो वहां पे उसके अंदर तो वो डेटेड साइन तो होना चाहिए, उसके अंदर सेक्शन नंबर 26 की चीजें होना चाहिए, साथ साथ में और पांच बातें होना चाहिए कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उनका कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, लॉ कहां रखा है, कौन से कंट्री से वो बिलोंग करते हैं, इंडिया में ऑफिस कौन सा है. फिर भी ये उनको 1-3 की चीजें एप्लीकेबल नहीं होगी अगर 2 साल से ज्यादा का वो काम करते हैं. और प्रॉस्पेक्टस बनाने की जरूरत ही नहीं है अगर आप एग्जिस्टिंग मेंबर को दे रहे हो या फिर आपका ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है. 388 नो फॉरेन कंपनी कैन इश्यू सर्कुलर अनलेस दे टेक द अप्रूवल फ्रॉम एक्सपर्ट के, और एक्सपर्ट ने अप्रूवल दिया था बाद में कंसेंट निकाल दिया तो फिर भी वो इश्यू नहीं करते. एवरीबॉडी गॉट इट? साथ साथ में सेक्शन 33 और 40 का भी जिक्र किया है, यानी कि अगर आप इश्यू कर रहे हो तो आपने 33 और 40 को भी फॉलो करना जरूरी है. सेक्शन नंबर 389 जल्दी बताओ किसने सर्टिफाई करना चाहिए, चेयरपर्सन 2000 और मैनेजिंग जो बॉडी है उन्होंने भी अप्रूव करना चाहिए, किसको देना चाहिए और साथ में क्या क्या देना चाहिए, एक्सपर्ट का कंसेंट, पीओए, अंडरराइटर एग्रीमेंट, जो भी नॉन कोर्स ऑफ बिजनेस का डेटा होगा वो भी, और एक लास्ट में अगर मैनेजिंग डायरेक्टर को जो अपॉइंट किया उसके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो भी देना चाहिए. और किसके साथ में रजिस्टर करना चाहिए, आरओसी के साथ में. अब बताओ 390 में क्या हम लोग आइडिया इश्यू कर सकते, कर सकते किसके रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, सीजी के, आरबीआई के, सेबी के. साथ साथ में आपके इसके नीचे अगर कोई फॉरेन कंपनी और इंडिया कंपनी अगर मर्ज हो रही होगी तो कौन से सेक्शन को फॉलो करना है, 234, और वो तभी हो सकता है जब आपने आरबीआई के रूल्स को फॉलो किया है. 391 बहुत गिरा हुआ सेक्शन था, किया नहीं. 392 बताओ पनिशमेंट ऑफिसर और कंपनी को कितनी, 1,00,000 मैक्सिमम 3,00,000 और प्रतिदिन 50,000 रुपया और इंसानों को कितना, 25 से लेके 5,00,000. और 393 की बात करो क्या लिखा था, फॉरेन कंपनी ने कुछ भी रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जो इस चैप्टर में लिखे हैं तो उनके ऊपर लोग स्यू कर सकते हैं बट कंपनी कैनॉट स्यू. अभी सिर्फ सेक्शन नंबर उल्टा पड़ेगा. 393
कंपनी कैन नॉट स्यू, कंपनी कैन बी स्यू. 392 पनिशमेंट. 391 हमने किया नहीं, 390 आईडीआर, 389 रजिस्ट्रेशन, 388 एक्सपर्ट कंसेंट, 387 प्रॉस्पेक्टस का कंटेंट, 386 इंटरप्रिटेशन, 385 आरओसी के साथ में कितनी फीस लगेगी, 384 वो डिबेंचर, वो कुछ मोटा डिस मोटा डिस से कुछ नहीं है. 383 इंडिया में नोटिस किसके नाम पे भेजेंगे, 382 डिस्प्ले, 381 एनुअल अकाउंट्स, 380 आपको इंडिया के अंदर जाके 30 दिनों के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा, एंड 379 सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 आप बोलेंगे, 379 380 डॉक्यूमेंट्स कौन से देना चाहिए आरओसी के साथ, 381 अकाउंट्स 6 महीने के अंदर देना चाहिए, शेड्यूल 3 में देना चाहिए, 382 383 इंडिया के अंदर आपने नोटिस किसको देना चाहिए, 384 डिबेंचर एनुअल रिटर्न सीएसआर वो सब, 385 फीस कितने लगेगी एज में भी प्रेस का, 386 इंटरप्रिटेशन में वो था ना एक ऑफिस किसको बोलते हैं और साथ साथ में डायरेक्टर किसको बोलते हैं वो, 387 आपके प्रॉस्पेक्टस में क्या लिखा होना चाहिए कंटेंट, 388 एक्सपर्ट कंसेंट, 389 आरओसी के साथ में रजिस्टर होना चाहिए, 390 आईडीआर, 392 पनिशमेंट एंड 393 इफ दे डोंट फॉलो दिस दे कैन बी सूड, दे कैन नॉट सू, उल्टा 393 कम ऑन गाइस लास्ट, 393 दे कैन बी सूड, 392 जल्दी बताना, 390 389 रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस विद आरओसी, 388 कंसेंट ऑफ 387 यानी कि उसके अंदर क्या क्या लिखा होना चाहिए, 386 इंटरप्रिटेशन यानी कि वो डायरेक्टर वाला पॉइंट था उसमें या कि इंडिया का प्लेस ऑफ बिजनेस वाला क्या होता है वो, 385 फीस एज में भी प्रेस, 384 वो डिबेंचर एनुअल रिटर्न वो सब, 383 नोटिस इंडिया में कहां देंगे, 382 डिस्प्ले कैसा होना चाहिए फॉरेन कंपनी का, 381 अकाउंट, 380 डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन इन आरओसी, 379 टू सबसेक्शन 42 डेफिनेशन ऑफ विलिंग कॉम्पिटेंट एवरीवन, एक बार ताली आप सभी के लिए, थैंक यू सो मच, वाओ. सो गाइस वी आर डन विद फॉरेन कंपनी, आप इसका रिविजन